दोस्तों चट मंगनी और पट ब्याह के बारे में तो आपने सुना होगा, लेकिन मोदी जी चट बयान देते और उसका पट से रिजल्ट आता है, ये आज आप देख भी लेंगे। क्योंकि आज बार बार प्रधानमंत्री मोदी तेलंगाना की रैली में जाकर कह रहे थे कि हम परिवारवाद पर पूरी चोट दे चुके हैं, परिवारवाद को खत्म करने वाले हैं और परिवारवाद को लेकर केसीआर पर जबरदस्त तरीके से प्रहार कर रहे थे। लेकिन परिवारवाद वो दूसरों पर करते हैं और अपनी पार्टी पर नहीं करते हैं। वो अपनी पार्टी को नहीं देखते हैं कि उनकी पार्टी में भी किस कदर परिवारवाद का जो जाल है वो किस तरह से तेजी से फैलता हुआ नजर आ रहा है। पहले देखिए ना, गृह मंत्री अमित शाह अपने बेटे जय शाह को बीसीसीआई का सचिव बना देते हैं, लेकिन बंद दरवाजे के पीछे से एक बड़ा परिवारवाद का जो प्रहार है वो पूरी तरीके से बीजेपी में दिखाई दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपको बड़ी खबर, बड़ी जानकारी दे दे कि जय शाह को एक और बड़ा पद मिल गया है। अब इसे परिवारवाद की कैटेगरी में रखेंगे या इनका खुद का जो इतना ज्यादा ये अचीव कर रहे हैं कि कैसे जो है जय शाह अपने दम पर, अपने बलबूते पर, एक कहते हैं ना कि मेहनत करके ये फल पाना, तो क्या जय शाह अपने मेहनत पर, अपने बलबूते पर इतना बड़ा पद ग्रहण कर लिए हैं। पहले तो बीसीसीआई सचिव का जो उनको पद मिला ये लोगों को हजम नहीं हुआ, विपक्ष को हजम नहीं हुआ, और भारतीय जनता पार्टी के मुखिया जो है प्रधानमंत्री मोदी वो कहते हैं कि हम परिवारवाद पर चोट दे रहे हैं, परिवारवाद को खत्म कर रहे हैं, कांग्रेस परिवारवादी है, केसीआर परिवारवादी है, तमाम लोगों को परिवारवाद परिवारवाद करके संबोधन करते हैं, लेकिन कभी अपनी पार्टी पर नजर नहीं दौड़ाते हैं कि कैसे अमित शाह से लेकर तमाम नेता मंत्री अपने बेटे को कितने ऊंचे ऊंचे पद पर विराजमान कर रहे हैं। तो दोस्तों आपको सबसे बड़ी खबर ये बता दें कि न्यूज 24 की तरफ से ये खबर सामने आई है, जिसमें सीधे तौर पर बताया जा रहा है कि जय शाह होंगे आईसीसी के वित्तीय और वाणिज्य मामलों की समिति के प्रमुख। जी हाँ दोस्तों, आईसीसी की वित्तीय और वाणिज्य मामलों की समिति में प्रमुख पद हासिल कर लिया है। अब आप सोचिए कि किस तरीके से बीजेपी का परिवारवाद जो है उनके मामले में अलग रूप ले लेता है। अगर ये कोई विपक्ष करता तो इस पर प्रहार होता, चोट होता और देश को भ्रष्टाचार की तरफ धकेलने वाली बात होती, देश पे एक ही पार्टी का कब्जा होता। लेकिन यहाँ पर जो दुनिया और देश की सबसे बड़ी पार्टी कहलवाती है, उस पार्टी में कैसे परिवारवाद का कब्जा हो रहा है, इस पर तमाम गोदी चैनल्स मौन हो जाएंगे, चुप हो जाएंगे, जिप लगा लेंगे, क्योंकि उनके पास कोई बात ही नहीं होगा करने के लिए। अब आप सोचिए कि कैसे दोहरा मापदंड यहां पर नजर आ रहा है। अब दूसरा ट्वीट आपको दिखाते हैं दोस्तों कि कैसे सोशल मीडिया पर जैसे ही जय शाह के इस पद के बारे में लोगों को पता चला, खलबली मच गई कि कैसे जय शाह का जो है प्रमोशन पर प्रमोशन हो रहा है, तरक्की पर तरक्की हो रहा है। हालांकि दोस्तों T20 वर्ल्ड कप में इंडिया का परफॉर्मेंस आपके सामने ही था कि लास्ट जो सेमीफाइनल मैच खेला गया इंग्लैंड के साथ वो किस तरीके से रहा, और फिर जय शाह पर भी कई बार सवाल उठाए गए कि कैसे वो क्रिकेटरों का चयन सही तरीके से नहीं कर पाए, कैसे जो है इंडिया को एक परफेक्ट टीम मिल सकती थी, वो परफेक्ट टीम उनकी तरफ से नहीं हुआ। लेकिन यहां पर डिमोशन की जगह प्रमोशन हुआ, यहां पर खिलाड़ियों से इस्तीफा मांगा जा रहा है, लेकिन सचिव के ऊपर कोई उंगली नहीं उठा रहा है। अब आपको दूसरा ट्वीट दिखाते हैं दोस्तों, बोलता हिंदुस्तान की तरफ से ट्वीट किया गया और लिखा गया है कि बीसीसीआई सेक्रेटरी जय शाह बने आईसीसी की वित्तीय और वाणिज्य मामलों की समिति के प्रमुख। बोलता हिंदुस्तान ने एक और ट्वीट किया है और ये ट्वीट है, जी हाँ दोस्तों, प्रशांत भूषण की तरफ से। उन्होंने प्रशांत भूषण के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए लिखा कि अगर इस खिलाड़ी को बल्लेबाजी के लिए भेजा तो हम जरूर जीत जाते। वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण का बीसीसीआई सचिव जय शाह पर कड़ा तंज। आगे मुमताज अलाहाबादी जो है वो ट्वीट करते हुए लिख रहे हैं कि आईसीसी बीसीसीआई सचिव जय शाह को बड़ा पद देने की तैयारी में है, लेकिन बीजेपी में परिवारवाद बिल्कुल भी नहीं है, ना के बराबर है। समझ जाए आप परिवारवाद का क्या उदाहरण है भारतीय जनता पार्टी में, कैसे जो है परिवारवाद वो दूसरों पर अप्लाई करती है लेकिन अपने पर मुंह छुपा लेती है। जनसत्ता ने भी इस खबर की जानकारी साझा करते हुए लिखा है कि आईसीसी में भारत को मिली बड़ी जिम्मेदारी, जय शाह बने वित्त मामलों की समिति के प्रमुख, यानी कि प्रमुख इनको बना दिया गया है।
आगे एक और ट्वीट है, केपी कोहनी नाम के एक यूजर है, वो ट्वीट करते हुए लिखते हैं कि भारतीय क्रिकेट इतिहास के सबसे अनुभवी खिलाड़ी जयशाह होंगे। आईसीसी की वित्तीय और वाणिज्य मामलों की समिति के प्रमुख पद पर उनको बिठा दिया गया है। आगे एक और ट्वीट है दोस्तों श्वेता तिवारी का, वो लिखती है कि जिंदगी हो तो जयशाह जैसे, DL.ED किया और 4 साल से भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, पता नहीं कब वैकेंसी लिखी, कब वैकेंसी आएगी, कब ज्वाइनिंग मिलेगी, और इतने में अपने जयशाह भाऊ 2-3 पोस्ट बदल चुके हैं। ये लड़की अपनी बेरोजगारी का दर्द बयां कर रही है श्वेता तिवारी, और कह रही है कि हमने 4 साल तक तैयारी की लग करके कि कब वैकेंसी आएगी, कब हम एग्जाम देंगे, लेकिन यहाँ पर जयशाह पर का जो किस्मत है वो किस तरीके से बुलंदियों पर है, बिना कोई एग्जाम देकर, बिना कोई क्वालिफिकेशन के वो धड़ाधड़ पोस्ट बदलते जा रहे हैं, और वो भी बड़े बड़े पोस्ट पर उनको विराजमान किया जा रहा है, बिना कोई डिग्री के, बिना किसी आपके एक्सपीरियंस के आपको बड़े बड़े पदों पर बिठा दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि पप्पा इनके गृह मंत्री हैं, गृह मंत्रालय इनके पप्पा के हाथ में है, इनके पप्पा के जिम्मेदारी है, इसलिए इनको कोई भी पद आसानी से मिल सकता है। वेस्ट उत्तर प्रदेश कांग्रेस की तरफ से कन्हैया कुमार की एक वीडियो ट्वीट करते हुए पोस्ट करते हुए लिखा गया कि परिवारवाद की बात करते हैं जयशाह के पिता, लेकिन खुद परिवारवाद को ही पूरी तरीके से फैलाते हुए नजर आ रहे हैं, हर तरफ बीजेपी का परिवारवाद नजर आता है। साहिल नाम के यूजर लिखते हैं कि देश के महान खिलाड़ी जयशाह 1000 सेंचुरी लगा, 1000 विकेट भी ले चुके हैं, और अब आईसीसी वित्तीय वाणिज्य मामलों के अध्यक्ष होंगे, पर गोदी मीडिया इस पर कुछ नहीं बोल पाएगी, दलाल, और आगे गाली का भी इस्तेमाल किया है इन्होंने, मैं आपको शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकती, और ये कह रहे हैं कि दलाल है, परिवारवाद नहीं दिखता गोदी मीडिया को, आज गोदी मीडिया सब खामोश है, परिवारवाद पर मोदी जी कुछ कह देते हैं तो तमाम चैनल घुमा कर कैमरा एक ही एंगल से बार बार उस बात को रिपीट करती है, प्रधानमंत्री मोदी ने यह कह दिया, प्रधानमंत्री मोदी का परिवारवाद पर चोट, परिवारवाद पर वार, लेकिन जो है प्रधानमंत्री मोदी के ही पार्टी के जो गृह मंत्री हैं उनके बेटे को लेकर कोई खबर नहीं चलाया जा रहा, कुछ नहीं बता रही है, बड़ी प्रहार, बड़ा चोट, बड़ी खबर, ये सब गायब है। प्रवीण पंगाल नाम के एक यूजर है, वो लिख रहे हैं जयशाह की तस्वीर शेयर करते हुए, बैट वैट हाथ में पकड़ा हुआ है जयशाह, अगर आप देखेंगे तस्वीर में तो कुर्सी पर एकदम बड़े ठाट वाट से बैठे हुए नजर आ रहा है इस फोटो के अंदर, और उनके इसी फोटो को ट्वीट करते हुए लिखते हैं प्रवीण कि अच्छे दिन जयशाह के होंगे, आईसीसी की वित्तीय और वाणिज्य मामलों की समिति के ये प्रमुख बनाए गए हैं। अब आगे दोस्तों एक और ट्वीट है एडवोकेट DR भाटी का, वो ट्वीट करते हुए लिखते हैं जयशाह की फोटो कि जयशाह होंगे आईसीसी की वित्तीय और वाणिज्य मामलों की समिति के प्रमुख, ये लो बिल्कुल नया है आपके सामने, एकदम नया ताज़ा तरीन जो है आपके सामने आ गया है कि कैसे जो है इनको पद पर पद मिला जा रहा है, लेकिन यहाँ देश की जनता जो है वो बेरोजगार घूम रही है, लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही है, लेकिन अमित शाह के लड़के को नौकरी पर नौकरी मिल रही है। आनंद सिंह लिखते हैं कि तिजोरी जयशाह के पास ही रहेगी T20 वर्ल्ड कप, यानी कि इनको तिजोरी मिलने वाली है, सारा तिजोरी का जो देखभाल है वो ये खुद ही करेंगे। शादाब है एक यूजर, वो लिख रहे हैं कि ये सब मत बोलिए, आम जन भड़क जाएंगे, परिवारवाद सिर्फ आप लोग करती हैं, भाजपा वाले तो बहुत ईमानदार हैं और जयशाह तो बहुत प्रतिभाशाली है, तभी तो हमारे सारे महान खिलाड़ी को छोड़कर उनको वो जिम्मेदारी मिली है। अब आप सोचिए जो महान महान क्रिकेटर हैं, जो घर बैठ गए हैं, जो रिटायर ले चुके, संन्यास ले चुके हैं, उनको ये सारे पद नहीं मिल रहे हैं, सिर्फ जयशाह को ही मिल रही है, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एक्सपीरियंस है, इसका अंदाजा आप खुद ही लगाइए। दोस्तों मनोज कुमार रविदास वो लिखते हैं कि गजब तमाशा है अंधभक्तों का, क्रिकेट मैच हार जाने की वजह से टीम में बदलाव की मांग होने लगी, लेकिन जिसके दबाव में मैच हारा गया उसका इस्तीफे की मांग नहीं हो रही है, क्योंकि मैच खेलने वाला बेचारा खिलाड़ी है और मैच खिलवाने वाला बिजनेसमैन BCCI अध्यक्ष जयशाह अमित शाह के काबिल बेटे हैं, वाह रे अंधभक्त वाह। आगे दोस्तों चंचल मोहन माथुर यूजर हैं, वो लिख रहे हैं कि जयशाह 50 दोहरे शतक, 10-13 शतक, 120 शतक, 200 से ज्यादा 50 मारने वाले एकमात्र जयशाह, परिवारवाद से दूर, अमित शाह के पुत्र जयशाह ही कप्तान के लायक है, अब इनको सिर्फ कप्तानी देनी बाकी रह गई है, अब कुछ भी इनके पास बचा नहीं है, सारे पद तो दे ही दिए हैं, अब इनको कप्तानी भी दे दीजिए, इस तरीके से लोगों का रिएक्शन आ रहा है। अबरार अहमद लिखते हैं टीम इंडिया हारे या जीते जयशाह का प्रमोशन होता रहेगा, टीम इंडिया हार जीते उसे कोई मतलब नहीं, लेकिन जयशाह को उनका जो प्रमोशन है वो टाइम टू टाइम मिलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि इनके सर के ऊपर इनके पापा का हाथ है।
आगे हेमंत सिंह लिखते हैं, जब से जय शाह बीसीसीआई सचिव बने हैं तब से इंडिया की नैया हिल गई है, ना गेंद का पता ना बल्ले का, कौन से स्टेडियम में सेंचुरी मारी है, जो यहाँ बीसीसीआई के प्रमुख पद पर कुंडली मार कर बैठे हुए हैं ये। आगे दोस्तों अनिरुद्ध नाम के एक यूजर है, वो ट्वीट करते हुए लिख रहे हैं कि हद है यार, ऐसा क्या दिखा, क्या योग्यता है इस बंदे में जो सारे वित्तीय प्रबंधक इनके पास आ जा रहे हैं। वैसे भी बीसीसीआई के पास खूब पैसा है, समझदार को इशारा ही काफी है। अब इन्होंने सीधे तौर पर कटाक्ष कर दिया है कि किस वजह से इनको ये पद मिला है। पिछले साल तक पूर्व बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली इस समिति के हिस्सा थे, लेकिन अब उनको हटाकर जय शाह को इस जगह पर बिठाया गया। और उसके बाद फिर एक और प्रमोशन आपके सामने है, क्योंकि अभी दो दिन पहले की खबर थी जब इंडिया जो है इंग्लैंड से हार गई और तमाम तरीके की खबरें सामने आने लगी थी कि कैसे जो है इंडिया की कप्तानी सही नहीं हुई, इंडिया में अच्छे जो टीम जो सेलेक्ट किए गए थे वो अच्छे नहीं थे, और ये सब ठीकरा जो है जय शाह के ऊपर फोड़ने की भी बात की जा रही थी कि कैसे जो है वो सही से अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे। लेकिन कप्तान रोहित शर्मा के रिटायरमेंट की बात की जा रही थी, उनकी कप्तानी छीनने की बात की जा रही थी, लेकिन यहाँ पर एक नया और बड़ा खबर ये आ गया कि रोहित शर्मा जो यहाँ पर है सो है, लेकिन जय शाह का प्रमोशन हो गया है। दोस्तों आपको क्या लगता है जय शाह के इस प्रमोशन को लेकर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ डोनेशन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।